हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो गए, ठीक है। मेरे सामने बैठा पंडित भाई, लेकिन आज मेरे ये लीड कोचिंग इन जीसीसी में आप ध्यान से अगर देखें तो बेटे बहुत बड़ी खुशखबरी लगा लो, लेकिन उनके लिए बड़ा दुख है जिनकी परसेंटेज कम है। वैसे आपके भाई ने बता दिया था कि 15 मई 16 मई 15 16 17 जब भी आपको इंटीमेशन मिल रही होगी कि आपका जो एडमिशन है वो परसेंटेज बेस पे हो रहा होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। ये हरियाणा की वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, hstes.org.in। यहां पर बेटे आपको लग रहा होगा सर प्रोस्पेक्टस तो अभी आई नहीं, की डेट अभी आई नहीं, शेड्यूल अभी आया नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक नोटिस आ गया है जिससे आप अपने डिप्लोमा के एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। पूरे हरियाणा में, हरियाणा इज द ओनली स्टेट जिसके अंदर कोई भी अगर सरकारी कॉलेज है तो डिप्लोमा की परसेंटेज के बेस पे मिल रहा होगा। पता नहीं बेटे इस बार एग्जाम क्यों नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल पूरी थी। अगली बार बेटे आप लोगों के जो जूनियर बैच है या जो बच्चे जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई बेटे, उनको जुलाई जुलाई में ही हम अपनी तरफ से इंटीमेट कर रहे होंगे हरियाणा क्या कर रहा होगा। तो भाई अभी तो सीधी सी बात यह है, हरियाणा का एग्जाम ये तो लास्ट ईयर का है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी होम पे जाता हूँ, यहाँ पे होम पे जाते हैं तो आपको ये नए नोटिस नजर आ रहे हैं। एक तो ये अभी लिखा हुआ डिप्लोमा कोर्सेज का हमें देखना नहीं है, हमें डिग्री का देखना है। वैसे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी नोटिफाई जल्दी शेड्यूल जो है उनका आ जाएगा। हरियाणा में अगर डिप्लोमा के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, जैसे दिल्ली में डिप्लोमा और डिग्री के नोटिस आ गए हैं, वो हमने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी करे हैं और यूट्यूब पे आपको बताए हैं। आज चर्चा हो रही है हरियाणा लीड की, हरियाणा लीड का ये नोटिस आया है। ये नोटिस मैंने इधर खोल रखा है बेटे, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का। इसमें ये आपको पता ही है टोल फ्री नंबर, ये आपको क्या देखना है, ये दूसरे नंबर की कैटेगरी देखनी है, बीटेक लेटरल एंट्री 3 ईयर। इसमें एडमिशन कैसे होगा, इसमें एडमिशन रैंक जो आपकी जो मेरिट बनेगी वो डिप्लोमा की परसेंटेज के हिसाब पे, डिप्लोमा की जो परसेंटेज है आपकी जितनी भी है। अब नीचे बच्चे धड़ल्ले से कमेंट करने लगेंगे, गुरुजी मेरा इतना सीजीपीए है, गुरुजी मेरी इतनी रैंक है, मेरा मतलब इतने मार्क्स है। तो भाई आपको अभी टेंशन नहीं लेनी, आपको ईमानदारी से अभी इसका ब्रोशर आएगा, उसमें डेट लिखी होगी, मैं खुद आके बता रहा हूँ। पर मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आके सबसे पहले आपको इंटीमेट करूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो ये फोटो वहां पे डल चुका है ऑलरेडी। ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर लग रही है मेरे को, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, इवन यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी दिख रहा होगा। जीसीसी के जितने बैचेस बने हुए हमारे, चाहे ऑनलाइन है, चाहे ऑफलाइन है, चाहे स्टडी मटेरियल है, चाहे टेस्ट सीरीज है, सब में डल गया बेटे। ये हरियाणा लीड का जो पेपर है वो नहीं होगा, परसेंटेज बिहाफ पे एडमिशन होगा। ये आपका ऑफिशियल नोटिस जो आना चाहिए था वो आ गया। अब मैं ले चलता हूं फटाफट से, ये जो मैं आपको कह रहा था, ये देखो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल हो गया लीड कोचिंग के नाम से, और यहाँ पे ये डला हुआ बैठे, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था, जैसे दिल्ली में अनाउंस हो गए थे ऐसे अभी अनाउंसमेंट हुई है कि हम परसेंटेज बेस पे लेंगे। अभी डेट नहीं आई, फॉर्म की डेट कब आएगी उसके लिए पहले ब्रोशर आएगा, उसके अंदर सारी डेट होंगी। मुश्किल से 1-2 दिन 3 के अंदर अंदर आपको सब पता लग रहा होगा। मैं खुद YMCA फरीदाबाद से पास आउट हूं बीटेक बेटे, तो YMCA में हरियाणा के बच्चों का जाना मतलब उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। तो मैं आपके साथ हूं, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। इवन आपके YMCA में जो बच्चे, जो सीनियर आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, कितनी परसेंटेज के भाव पे पढ़ रहे हैं, वो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप भी अपनी कट ऑफ जाके देख सकते हैं। वैसे मैं टेंटेटिव आपको बता रहा हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो 85% से ऊपर वाले बच्चों को बड़े आराम से YMCA फरीदाबाद और डी कृष्ण मूर्थल मिल रहा होगा। सर कौन सी ब्रांच? अरे मैं सारी ब्रांच की बातें कर रहा हूं भाई, ठीक है। जो रिजर्व है वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाते रहेंगे, लेकिन अगर कोई 70% वाला बच्चा भी है उसको भी जरूर फॉर्म भरना चाहिए। बात 500 रुपए की या 1000 रुपए की नहीं है, बात है कि अगर आपने अपने आप से पहले मान लिया भाई मेरे को तो होगा ही नहीं, सर ने तो बोला 85%, अरे ठीक है बाकी भी बहुत सारे कॉलेज है तो उनके अंदर भी रैंक में आप बना लो कि कौन से प्राइवेट और कौन से सरकारी बढ़िया है। नीचे कमेंट करके बताना भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों से शेयर करना। हरियाणा डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, और आपके लिए जो भी आपकी बातचीत होगी, जो भी इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगी, वो इस चैनल पे हम टाइमली लेके आते रहेंगे।
आज के लिए इतना ही बोलना था भाई. थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. शबा खैर.